ये है बीपीए नेटवर्क और आप देख रहे हैं बीपीए न्यूज। भवानी मंडी के बांडियाबाग स्थित हनुमान मंदिर में गुरु पूर्णिमा पर महाभोज का किया गया आयोजन। 1100 कन्याओं को कराया गया महाभोज। 25 वर्षों से चली आ रही परंपरा। मंदिर समिति सदस्य प्रवीण कुमार ने बताया कि श्री हनुमान मंदिर समिति द्वारा पिछले 25 वर्षों से गुरु पूर्णिमा के अवसर पर 2100 से अधिक कन्याओं के महाभोज का आयोजन किया जाता है। इस वर्ष मध्य प्रदेश में चुनाव होने और बारिश होने के चलते कन्याओं की संख्या घटकर 1100 ही रह गई। इसके साथ ही 2500 आमजनों का भोज भी आयोजित किया गया। महाभोज का आयोजन कृषि उपज मंडी समिति व मंदिर समिति के सहयोग से किया जाता है, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर जे के अरोड़ा द्वारा आरती पूजन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। कार्यक्रम के अंत में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। बीपीए न्यूज संवाददाता किशोर तंवर की रिपोर्ट, भवानी मंडी, राजस्थान से खबर। सर आपका शुभ नाम? प्रवीण कुमार। सर आप जानकारी दे पाएंगे कि आज जो बांडियाबाग में जो यहाँ जो भोजन की व्यवस्था जो चल रही है गुरु पूर्णिमा के अवसर पर, तो ये किस संस्था की तरफ से, किस व्यक्ति की तरफ से आयोजन किया गया है? आज दिनांक 13/7 बुधवार को 2022 बुधवार को गुरु पूर्णिमा का महोत्सव पे 1100 कन्याओं का भोजन कराया गया है तथा 2,500 आम पब्लिक को भी भोजन कराया गया है। इसमें 80% सहयोग कृषि उपज मंडी समिति भवानी मंडी का रहता है और 20% सहयोग अन्य पाँच सात गणमान्य नागरिकों का रहता है। तो ये क्या लगभग कितने वर्षों से यह निरंतर चल रहा है? ये 25 वर्षों से निरंतर चल रहा है और हर वर्ष 2100 कन्याओं का टारगेट रहता है, लेकिन इस वर्ष एमपी में चुनाव होने और कुछ बारिश की वजह से इस बार संख्या 1100 के लगभग ही पहुंच पाई है। जी।